ये पापड़ करोड़ों में बिकते हैं। ये है कहानी लिज्जत पापड़ की, जो शायद भारत का सबसे सक्सेसफुल स्टार्टअप है। इस बिजनेस की शुरुआत सिर्फ 80 रुपए के कैपिटल से हुई, जो आज 45,000 ग्रामीण महिलाओं को रोजगार देता है। मुंबई के साथ गुजराती औरतों ने साथ आकर 1959 में इसकी शुरुआत की। तब किसे पता था कि वो भारत के GDP में भी इतना बड़ा योगदान देने वाली है। ये पॉसिबल हुआ एक बिजनेस मॉडल से जो लोगों को समझ कर बनाया गया था। कोई भी महिला जिसके पास पापड़ सुखाने के लिए एक साफ छत हो, वो काम शुरू कर सकती थी। और डिस्ट्रीब्यूटर्स जब पापड़ कलेक्ट करने उसी समय महिलाओं को पैसे देते, यानी क्रेडिट सिस्टम नहीं, ऑन द स्पॉट कैश। लिज्जत पापड़ एक कोऑपरेटिव मूवमेंट है, यानी इससे जुड़ी हर महिला लिज्जत की एम्प्लॉय नहीं, एक छोटे हिस्से की ओनर है, लिज्जत के सक्सेस की हकदार। उस जमाने में जब औरतों को घर में ही रिस्पेक्ट नहीं दी जाती थी, तब उन्हें यहाँ एक समान अधिकार मिला। 80 रुपए से शुरुआत करके 800 करोड़ तक पहुंचना और इस पूरे सफर में हजारों घरों को आत्मनिर्भर बनाना आसान नहीं। स्टोरी अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, क्योंकि इसके लिए कईयों ने बहुत पापड़ बेले।